हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में, और इसके हम कॉजेज बताएंगे और इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, मरीज में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, और इसके साथ साथ ही हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि इसमें कौन सी मेडिसिन आपके लिए उपयोगी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन कौन सी है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। वेरिकोसील में होता क्या है कि जो हमारा मेल स्क्रोटम है उनमें वेंस होती हैं, जो उनकी साइज़ जो है बढ़ जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है वेंस में। स्क्रोटम की जो वेंस होती है उनमें इनलार्जमेंट हो जाने की वजह से उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, और समटाइम्स उनमें पेन भी रहता है स्क्रोटम में, तो टेस्टिकुलर पेन होने लगता है पेशेंट में। तो ये इनलार्जमेंट ज़्यादातर वेरिकोसील जो होती हैं लेफ़्ट साइडेड होती हैं, राइट साइडेड के मुकाबले में ज़्यादातर लेफ़्ट बाईं तरफ होते हैं ये वेरिकोसील्स। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया, आप देख सकते हैं वेरिकोसील यहाँ पे दिखाया गया है। वेरिकोसील ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़्यादातर प्यूबर्टी के समय होता है, 10 से 25 साल के जो लोग होते हैं उनमें ये वेरिकोसील बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो वेरिकोसील होने की वजह से पर्सन में इनफर्टिलिटी हो सकती है, अगर किसी पर्सन में अगर 10 लोग हैं तो उनमें 4 लोगों में तो हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो जाए, उनमें जो है जो प्रोडक्शन होता है स्पर्म का वो सही से ना हो पाए, या उनमें क्वालिटी डेवलप सही से ना हो पाए, स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ज़्यादातर लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील होते हैं राइट साइडेड के मुकाबले में। तो आइए जान लेते हैं कि ये वेरिकोसील होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये क्यों होता है, इसी को हम इडियोपैथिक बोलते हैं। इनमें प्राइमरी या सेकेंडरी कॉज भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि इनकी वजह से जो है, इन कारणों की वजह से, वेरिकोसील की वजह से पेशेंट में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, इनमें इनफर्टिलिटी हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, उनमें ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो करने लगते हैं ब्लड, तो उनमें फुलनेस आ जाती है, इसकी वजह से भी ये वेरिकोसील डेवलप कर सकते हैं। या वाल्व भी अब्सेंट हो गई है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो वाल्व होती हैं वही अब्सेंट कर गई है, उनमें है ही नहीं, तो भी ये हो सकता है कि वेरिकोसील डेवलप कर सके। तो ये सब इसके कारण थे, हमने आपको बता दिए हैं। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वेरिकोसील में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे पेशेंट में। वेरिकोसील के जो सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर तो किसी किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स शो नहीं कर पाते हैं, उनमें अगर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होती है तो ये सिम्टम्स उनमें दिखाई नहीं देते हैं। और जिनमें वेंस अगर ज़्यादा सूज गई हैं, जिनमें दर्द होता है, सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा है वेरिकोसील की, उनमें पेन होगा और सूजन होगी स्क्रोटम में, लंप जैसा दिखाई देगा, ऐसा लगता है कोई जो है गांठ हो गई है स्क्रोटम के अंदर, तो ये टार्चुअस वेन इसे बोलते हैं कि वो वेंस जो है उलझी हो जाती हैं एक साथ में। और इसमें जो है सिम्टम्स से किसी किसी में तो इनफर्टिलिटी के भी सिम्टम्स आने लगते हैं, कि उनमें जो है इन बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं हो पाती है, क्योंकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है, और उनमें क्वालिटी भी कम हो जाती है, जो स्पर्म की क्वालिटी होनी चाहिए वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी डेवलप कर जाती है। और इसमें सिम्टम्स ये भी आते हैं कि किसी किसी में तो टेस्टिस का जो साइज होता है कम हो जाता है, और किसी किसी में तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होने लगता है। तो इसके जो सिम्टम्स थे हमने आपको बता दिए हैं, अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो मेडिसिन है वेरिकोसील के लिए, इसमें सबसे पहला मेडिसिन जो हमारे पास है हेमामेलिस। हेमामेलिस ये टॉप ग्रेड मेडिसिन है फॉर वेरिकोसील,
कोई भी पेशेंट हो अगर जिनमें वेरिकोसील है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम मेडिसिन लेते हैं हेमामेलिस, ये वेनस कंजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिनमें स्पर्मेटिक कॉर्ड से लेकर टेस्टिस की तरफ पेन होता है, वो रेडिएट करता है वहाँ से, और जिनका स्क्रोटम छूने पे गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, और वो एरिया टेस्टिस के अंदर छूने में दबाने पे वो अंडकोश दर्द होता है, जहाँ पे हम टच करते हैं अंडकोश की तरफ उनमें दर्द रहता है, तो ये हेमामेलिस वीनस कंजेशन के लिए, और जिनमें स्क्रोटम हॉट है और जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये सबसे पहले आप हेमामेलिस लीजिए। इसको आप 10-10 बूंद सुबह शाम नॉर्मल पानी के साथ लेना है। इससे आपकी वेरिकोसील बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी इस दवा के इस्तेमाल करने के बाद। और जो हमारी दूसरी मेडिसिन है आर्निका, ये 30 पोटेंसी में है। अगर किसी पेशेंट में इंजरी होने के बाद टेस्टिस में इंजरी हो गई है, उसकी वजह से उनमें वेरिकोसील डेवलप कर गई है, उनमें दिक्कतें आने लगी हैं, टेस्टिस में पेन होने लगा है और दर्द बना रहता है, दिन भर दर्द उनमें बना रहता है, दर्द से आराम नहीं मिलता है और अनकंफर्टेबल महसूस होता है उनको, बैठे रहते हैं तो भी उनमें दर्द बना रहता है, तो आफ्टर इंजरी आर्निका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप इसको 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 10-10 बूंद नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। इससे आपकी जो है जो परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस दवा से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।